अंधेरे, आज वो अंधेरे में बना रही हूँ मैं वीडियो, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, पेट पूजा करने जा रहे हैं। चलते हैं, आप भी चले मेरे साथ पेट पूजा करने। Love yourself. Assalamualaikum and welcome back to my channel. Okay, we are going out for halwa puri. और मैंने लास्ट ईयर बनाया था, अक्सर ही बनाती रहती हूँ मैं। अगर जो लोग इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो इन स्टोरीज, हमने चश्मा उठा लिया बाइक से, तो हम जो है ऐसे बनाते रहते हैं स्टोरीज, क्योंकि हम जाते हैं एक जगह हलवा पूरी खाने। जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं पता, बहुत अच्छी मतलब एक फैमिली इसके बैठने के लिए अच्छी जगह है। और सर्दियों में वहाँ इसलिए मज़ा आता है कि धूप जब आपके जिस्म को लगती है तो बहुत मज़ा आता है। तो हम जा रहे हैं वहाँ पर खाने। मैं आपको वहाँ जाके दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं हलवा पूरी खाने के लिए। हमें कोई बहुत दर्जनों पूरियाँ नहीं खानी होती, हम ज़्यादा डेढ़ से दो पूरी खाते हैं, लेकिन हम वहाँ चले जाते हैं कभी कभी। आज बहुत दिनों बाद जा रहे हैं तो आप लोग भी मेरे साथ चलें, मैं आपको जगह भी दिखा देती हूँ। जो लोग यहाँ दे रहते हैं वो सर्दियों में ज़रूर जाकर पूरियों को गरम गरम धूप में बैठ के इंजॉय करें। लेट्स गो नाउ। है जी कॉन्टिनेंटल बेकरी, जहाँ मिलती है मज़ेदार हलवा पूरी। और आमना बैठ चुकी है, फिन भी बैठ चुके हैं, अब मेरी बारी है बैठने की। आपको मैं रश दिखा दूँगी, अच्छा खासा रश होता है ये देखें। और हम भी यहाँ धूप में बैठ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ धूप होती है। सो इस धूप में बैठ के आप खाओगे तो मज़ा आता है हलवा पूरियाँ। आज तो रश बहुत कम है, वरना इतना रश होता है, इतना रश होता है जिसकी कोई याद नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा वीकडे है ना। वैसे तो यहाँ वीकडे में भी बहुत रश होता है, वीकेंड पे तो होता ही है। चले भाई यहाँ बैठते हैं। अब मैं भी बैठ गई हूँ और जो है अभी हम मंगाते हैं पूरियाँ। खांसी चल रही है। आज हलवा पूरी पे मेहमान खुसूसी हमारी आमना है। ये आमना का येलो सूट है, ये आमना की क्यूट सी जैकेट है जो कि मैं भी पहनती हूँ। कितनी अच्छी बात हो गई है कि अब आमना की जैकेट भी मुझे आती है माशाल्लाह। चले जी पूरियाँ मंगाते हैं। यहाँ पर आ चुकी है हमारी पूरियाँ। आलू वाला सालन, छोलो वाला सालन, छोलो वाला सालन, आलू सालन एंड दिस इज हलवा। अभी ये है छोलों का सालन और दही। In winters, I am enjoying halwa puri. इस साल मैं 16 years की हुई हूँ। और अगर मुझे किसी ने TikTok पर आंटी का ना रख के मैंने देना ही यही सर। तो यहाँ गुलिस्तान शहर में चेस प्लस आई थिंक चेस प्लस है या चेस ऐप है, वहाँ पर ये स्क्वायर बेकरी आई थिंक मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो फिर हमने यहाँ एक कॉफ़ी पी, एक नहीं कॉफ़ी पी, और ये आमना ने थोड़ी आइसक्रीम खाई थी। और ये वीडियो मैं बता दूँ आज से डेढ़ दो महीने पुरानी है, और आज डेढ़ जब सर्दी आई थी तो बस बाहर आइसक्रीम मज़े की थी। और फिर मैंने जो है सब कुछ कर आके हम आ गए थे घर। और अब मैंने यहाँ बनाई खट्टी दाल मूँग मसूर की और डिनर के लिए। और ये है माशाल्लाह से ज़बरदस्त से चावल जो दम हो गए, इसके साथ पापड़ भी होंगे जो मैं शायद एंड में क्लिप लगाऊँ। मैं यहाँ बना रही हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी, मेरा गला भी ख़राब है, तो बस इंशाल्लाह ताला एंड में अगर मैंने पापड़ भी तले तो मैं दाल चावल और इसकी क्लिप ज़रूर लगाऊंगी। मैं बना सकी तो कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। अब मैं बनाती हूँ कॉफ़ी और जो है मिलते हैं किसी मज़ेदार सी वीडियो में या व्लॉग में जिसमें कि मज़ा आए आपको मेरे साथ। चलें जी यहाँ पर हो रही है तैयारी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलिएगा, टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना सब। अल्लाह हाफिज़। तो आखिर में पापड़ भी रेडी हो गए थे और ये खट्टी दाल थी जो कि कम तड़का डालते हैं हम, कभी कभी डाल देती हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा।